हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉली ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको हेयर फॉल रोकने के कुछ टिप्स देने जा रही हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। अक्सर ये प्रॉब्लम हर एक में होती है और कई बार इसका सोल्यूशन हमें नहीं मिल पाता। हम शैम्पू और ऑयल चेंज करते रह जाते हैं और रिजल्ट जो होता है वो बिल्कुल ज़ीरो। तो मैं आपको आज इसी से रिलेटेड कुछ टिप्स भी दूंगी और साथ में इसके कारण भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि हमारे अंदर विटामिन्स और प्रोटीन्स की कमी होने के कारण हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए हमें अपनी डाइट पे पूरा ध्यान देना होगा। प्रोटीन और विटामिन्स हमारे अंदर प्रॉपर जाने चाहिए। और कारण इसके कुछ ये भी होते हैं, जैसे थायराइड है, दिमागी स्ट्रेस है, केमिकल वाले शैम्पू हैं, तो रूटीन में कई बार हम अपने बालों में प्रेसिंग करते हैं, तो ये चीज़ें हैं जिनके कारण हमारे बाल झड़ते हैं। कोशिश करें कि शैम्पू जो है वो आप हर्बल यूज़ करें, ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू यूज़ ना करें। हो सके तो आप अपना हेड वॉश जो है वो दही से करें। और बालों को आपने जो प्रेसिंग करनी है वो आप कभी भी ओकेजनली कर सकते हैं, बट आप हमेशा नहीं कि आप एक दूसरे दिन तीसरे दिन आप प्रेसिंग करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हीट है वो हमारे बालों को बहुत ही कमज़ोर बनाती है। तो अब मैं आपको इसके टिप्स बताती हूँ। बहुत ही इजी है ये टिप्स, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ कर लें, ताकि आपके पास मेरे हर टिप्स पहुंच सकें और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो टिप नंबर 1, बालों के अंदर मालिश नहीं करनी आपने, टिप्स के साथ आपने ऑयल लगाना है। तो जब आप रूट्स के साथ ऑयल लगाते हैं तो आपको उसको मलना नहीं है, धीरे धीरे बिल्कुल पुश करते हुए आपने ऑयल को रूट्स के अंदर लगाना है। और उसके बाद आपने एक टॉवल को गर्म पानी के अंदर डिप करना है, डिप करके आप उसे निचोड़ लें। 2 मिनट उसे अपने सिर पर रख लें गर्म टॉवल को, और फिर उसे दोबारा गर्म पानी में से निचोड़ें और फिर उसे अपने सिर पर रख लें। 3-4 बार आप ऐसा करें और ये आपको एक तरह से हॉट टॉवल की स्टीम जो है बालों में जाएगी, और उस स्टीम से जो है आपके बालों की जड़ें जो हैं वो मजबूत होंगी। आपने इस चीज़ को दूसरे तीसरे दिन कर लेना है, और एक बार के अंदर आपने 5-6 बार टॉवल को निचोड़ना है और 5-6 बार आपने टॉवल को सिर पर रखना है। तो इससे आपके बाल झड़ने बहुत हद तक बंद हो जाते हैं और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आपके सामने आता है। सेकंड है एलोवेरा जेल। तो आपने क्या करना है, एलोवेरा जेल जो होती है वो आपने एक प्लांट होता है जो एलोवेरा का, आपको पता होगा, उस एलोवेरा के प्लांट को लेना है, उसको ऊपर से छीलकर उसे रूट्स के अंदर आपने जैसे तेल मलते हैं उसी तरह से मलना है। पूरे बालों में लगाने के बाद पूरे सिर पर लगाकर आपने उसे आधा घंटा छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद आपने उसे शैम्पू कर देना है बालों में। और शैम्पू कोशिश करें कि आप हर्बल शैम्पू करें, आम जो रूटीन में बहुत केमिकल वाले शैम्पू होते हैं उसे यूज ना करें। तो हमारा 3rd टिप है, केला होता है जैसे पका हुआ केला है, मतलब इतना पका हुआ केला होना चाहिए कि वो गलने की नौबत तक आ जाए, जो गल जाता है केला उसको आपने अच्छे से मैश कर लेना है, और उसके अंदर आपने नींबू डाल लेना है। नींबू का रस डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स करके आप शीशे के सामने बैठकर जैसे कलर या डाई सिर के अंदर लगाते हैं या मेहंदी सिर के अंदर लगाते हैं ब्रश के साथ, उसी तरह से आपने इस पेस्ट को अपने सिर में लगा लेना है और उसे आधा घंटा छोड़ देना है इसी तरह से। उसके बाद आपने सिंपल पानी से वॉश कर देना है, जैसे कि आप मेहंदी के बाद आप सिंपल पानी से वॉश करते हैं ऐसे ही आपने वॉश करना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके बालों में एक अलग तरह की चमक आती है और आपके बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो मेरा नेक्स्ट टिप है 4th टिप, नीम होती है, जैसे नीम की पत्तियों को लें आप, उसे पानी के अंदर बॉयल कर लें। 15 मिनट तक आप उसे बॉयल करते रहें। मान लो आपने 1 गिलास पानी लिया है तो वो आधा लगभग रह जाएगा, तो उस पानी को आपने स्प्रे बॉटल के अंदर डाल लेना है ठंडा करने के बाद। तो स्प्रे बॉटल में डालने के बाद आपने रूट्स के ऊपर पूरे सिर के अंदर स्प्रे कर देना है उसी पानी का। तो फ्रेंड्स, आपने स्प्रे करना है तो उसे भी आपने आधा घंटा 1 घंटा छोड़ देना है। उसके बाद आप सिंपल किसी भी शैम्पू के साथ सिर को वॉश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे जो टिप्स थे इनके साथ आपके बाल झड़ना भी बंद होंगे और आपके बाल जो है शाइनी भी हो जाएंगे, आपको बालों की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। तो आपको जो भी टिप इजी लगे आप उसी टिप को यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं कि आपने सारे टिप यूज़ करने हैं, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो इनमें से कोई भी टिप आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ आप देखेंगे कि आपके बाल बिल्कुल झड़ना बंद हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपके बालों में कोई भी ऐसे इफ़ेक्ट नहीं होंगे कि आपके बाल टूट रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, आपको ऐसी कोई भी समस्या नहीं आएगी।
आपके बाल जो हैं बहुत जल्दी से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और इसके साथ आपके बाल जो हैं लंबे भी होते हैं, लंबे और घने भी होते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें अपने बालों में, बेफिक्र होके बिना किसी डर के आप ट्राई करें, और फिर आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपको ये टिप्स कैसे लगे और कितने इफ़ेक्टिव लगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ एक और नई रेमेडी के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर।